विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा हमीरपुर के हमीर भवन में कुछ पल प्रेस के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रेस को विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की नई नेशनल ब्रांड की फैकल्टी से रूबरू करवाया गया तथा नीट जेईई और आईआईटी में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाले बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बताया गया कि विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य हिमाचल के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है, ताकि हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी नीट जेईई मेन और आईआईटी की परीक्षाओं में हाई रैंकिंग प्राप्त कर सकें। विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ब्रांच डायरेक्टर डॉक्टर शोभित पटेल ने बताया कि वे एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ यहां पर आए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य हिमाचल के बच्चों को नीट जेईई मेन और आईआईटी में अच्छी रैंकिंग लेकर आए उस लेवल तक तैयार करना है, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाकर कोचिंग न लेनी पड़े। उन्होंने कहा कि वे प्रयास करेंगे कि यहाँ के बच्चे अच्छे से अच्छा रैंक लेकर आए, ताकि बाहर के बच्चे यहाँ पर आकर कोचिंग लें। उसका मकसद हमारा यही है कि हम एक जो एएस विद्या मंदिर है, अग्निशानवी विद्या मंदिर, हम इसको एक हमने इसकी जो है एक नए मुकाम पे हम ले जा रहे हैं, और इसके लिए हमने सारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट की, जो बड़े बड़े आपने नाम सुने होंगे, और वहाँ की जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, हम उन फैकल्टीज़ के साथ यहाँ पर आए हैं। और हम हमारा मोटो यही है कि हिमाचल के जो बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो उतनी अच्छी रैंक प्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको शो नहीं कर पाते। तो हमारा मोटो यही है कि हम भाई इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ यहाँ पर आए, नेशनल ब्रांड की फैकल्टीज हैं सारी, लाइक मैं ही खुद MBBS डॉक्टर हूँ और कई सारे नेशनल ब्रांड में काम किया है, और बाकी भी फैकल्टीज जो हमारी हैं फुल एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से एक बहुत बढ़िया रैंक निकालें, जो बच्चों में पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम बाहर लेकर आएँ। और यहाँ का बच्चा जो है जो बाहर तैयारी करने जा रहा है किसी भी रीज़न से, तो हम चाहते हैं कि वो बाहर जाने की बजाय यहीं पर रुके और यहाँ पर उससे बेहतर रैंक लेकर आए, और बाहर के जो स्टेट हैं वो भी ये जाने कि भाई हमें भी अगर कहीं अगर हमारे हिमाचल में भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि हम जाके तैयारी कर सकते हैं, तो हम यहाँ के बच्चों को तो बाहर जाने से रोकें, साथ ही साथ जो बाहर के बच्चे हैं दूसरी स्टेट के जो बच्चे हैं हम उनको हिमाचल में बुलाएं कि यहाँ पर भी एक ऐसी फैकल्टी टीम है जिसमें कि पोटेंशियल है, जो बहुत अच्छी रैंक दे सकती है। तो हमारा मोटो जो हम पूरी तरह से बच्चों के लिए डेडिकेटेड हैं और पूरी एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम के साथ यहाँ पर हैं, तो ये मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा कि आप लोग हम पर विश्वास बनाए रखें और विश्वास को हम 100% कायम रखेंगे। थैंक यू। जेईई मेन में 86% अंक प्राप्त करने वाले मानव ने बताया कि वे प्लस टू से विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में रेगुलर क्लासेस लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई भी परेशानी आती थी तो अध्यापकों द्वारा उसका तुरंत समाधान किया जाता था। मानव ने बताया कि वे आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं विद्या मंदिर में प्लस टू रेगुलर क्लासेस लगाता था, तो यहाँ की फैकल्टीज बहुत ही अच्छे हैं, पूरे कोऑपरेटिव हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, हमें जब भी प्रॉब्लम होती थी वो हमें पूरी सॉल्यूशन देते थे उसका। तो आप जब मर्जी सुबह शाम कब भी मर्जी फ़ोन कर लो, टीचर को बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट करते थे, और उन्हीं की वजह से मेरे जेईई मेंस में 86% आए हैं। सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, और मेरा एम है कि मैं इंजीनियरिंग करके CDS में टेक्निकल एंट्री करूँ। पटवारी हैं और हम वैसे चंबा गए हैं, और पर पापा की अपॉइंटमेंट यहाँ पर थी तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तभी उनकी वजह से यहीं पर। नीट और जेईई मेन में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाली स्वाति ने बताया कि वे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व अध्यापकों को देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छी फैकल्टी है। उन्होंने कहा कि वे न्यूरो सर्जन बनना चाहती हैं। रैंक तो मुझे याद नहीं है, बट 95.7% है जेईई मेन में, और नीट में 542 मार्क्स है, 54,000 सम रैंक है। तो अपनी सफलता का जो श्रेय है, जो आपने मुकाम हासिल किया, किसको श्रेय देते हैं? मैं पेरेंट्स को और टीचर्स को। और इंस्टीट्यूट में अच्छा था, पढ़ाई वाला माहौल था, सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे, फैकल्टी, बट उसके बाद बीच में ब्रेक लगा ना, लॉकडाउन हो गया, तो उसमें फिर खुद ही तैयारी करनी पड़ी 5-6 महीने, तो सही था, मतलब ओवरऑल ठीक था। तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डाउट सॉल्विंग की थी, क्योंकि कोई टीचर नहीं था सॉल्व करने के लिए डाउट्स। क्लासेस के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस भी लग जाती थी, जैसे बहुत सारी यूट्यूब में भी आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से पढ़ सकते हैं, बट डॉट सॉल्विंग का मुझे लगा कोई मतलब था एक मेजर इशू, बाकी ठीक था। मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ।
अनुपमा ने बताया कि उन्होंने 94 रैंक हासिल किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगने की वजह से उतना अच्छा रैंक नहीं आया जितना मैं चाहती थी। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट में अच्छी फैकल्टी का स्टाफ है। मेरा रैंक